स्पीड जाएगी 260 तक, 260 250 तक जाएगी मैक्सिमम, 350 तक ऑपरेट हो सकती है। हाँ सेंटर वाले को काफ़ी बढ़िया सुविधा है। हाँ मैं तो जाली नहीं है। तो गाइस स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं लीव कर रहा हूँ सिटी बुखारा, मेरा बुखारा में आखिरी दिन, और अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने ली है ट्रेन, बुलेट ट्रेन। मैं हिचहाइकिंग से जाने वाला था पर मैंने देखा कि यहाँ पे उज्बेकिस्तान में एक बुलेट ट्रेन भी है, तो बुलेट ट्रेन का वीडियो काफ़ी लोग बनाते थे, तो मैंने सोचा बुलेट ट्रेन का भी एक वीडियो बनाया जाए, जो ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल है, 500 रुपये की कुछ है, पर बुलेट ट्रेन है इसलिए मैं एक वीडियो उस पर भी बनेगा ज़रूर। सो बुलेट ट्रेन लेंगे, यहाँ से जो टैक्सी है ट्रेन स्टेशन के लिए वो है लमसम 15,000 सोम समथिंग, 100 रुपये, और जो बस मिलेगी वो आगे से मिलेगी, बस का मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार पूछ लूँगा आगे से, अगर बस नहीं मिली टैक्सी ले लूँगा, शेयर टैक्सी। सो अभी का ये सीन है, ट्रेन का नाम है अफ्रोसियाब। अफ्रोसियाब पहले एक सिटी हुआ करती थी जो चेंगिस खान ने डिस्ट्रॉय कर दी, उसके बाद तैमूर ने रीगेन करके वापस से बनाया समरकंद उसको। सो ये सीन है, अभी दिन की बज रही है 12, मैं हॉस्टल से चेकआउट कर लिया क्योंकि अगर 12 बजे के बाद और रहता तो शायद 2 घंटे अगले दिन का भी चार्ज कर लेते, इसलिए हालांकि नहीं करते पर एज क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा नेचर बताने के लिए कह सकते हैं कि मैंने 12 बजे चेकआउट कर लिया। सो 12 बजे चेकआउट करके अभी मैं, मेरी ट्रेन है 4 बजे की, सो काफ़ी टाइम है ट्रेन में, ट्रेन स्टेशन जाके बैठूँगा आराम से। हालांकि काफ़ी गर्मी है आज, 37-38 डिग्री है, और ये दोनों बैग हैं तो पसीने आने अभी से चालू हो गए। आगे हैं बस स्टेशन, एक बस यहाँ से भी जाती है और आगे से भी जाती है, तो यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गया हूँ। ये बुखारा इंस्टीट्यूट है और एक बुखारा यूनिवर्सिटी है, दो हैं। जो बुखारा इंस्टीट्यूट में है वहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तान स्टूडेंट पढ़ते हैं। सो है स्टॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ से जो टैक्सी है 10,000 सोम की है, 70 रुपये की है, और बस होगी 8-10 रुपये की। सो बस का इंतज़ार करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है, आराम से जाऊँगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी गर्मी ज़रूर है बट आराम से जाऊँगा। तो गाइस गलत जगह बैठ गया था, यहाँ से कोई बस स्टे बस नहीं आ रही, यहाँ पे मैंने एक टैक्सी को पूछा वो 30,000 सोम बोले, फिर मैंने कहा नहीं बैठना भाई, तो आप कितने दोगे, मैंने कहा 5,000 सोम दूंगा, 30-40 रुपये, तो बोले रहने दो भाई साहब। काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कौन सी बस कहाँ जाएगी, पता ही नहीं पता जाना। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश की गवारी? यस, आई नीड अ बस टू बुखारा ट्रेन स्टेशन। वॉच बस अब तो बस टू ट्रेन स्टेशन वोक्जाल वोक्जाल गो अहेड से नियर नियर नॉट फ्रॉम हियर दिस नॉट वेक्सो दिस इज दिस वन दिस वन इट्स फार 15-12 किलोमीटर पता वोक्जाल नो वेयर फ्रॉम इंडिया इंडिया Yeah, from here? University student? I live in Kagan. I'm also go this place. But not this train. Why do you come this place? Tourist. Okay. गाइस आपको एक अपडेट दे दूं, बुखारा में दो स्टेशन है, दो ट्रेन स्टेशन है, बुखारा 1 और बुखारा 2। मैं जहाँ तो बुखारा, मतलब बुखारा 1 6 किलोमीटर था, बुखारा 2 17 किलोमीटर था, तो मैं जहाँ तो बुखारा 2 के लिए था वहाँ से सिर्फ फ्लाइट चलती हैं, वहाँ से कोई ट्रेन नहीं चलती, तो बट किस्मत से मैंने 2-4 लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे इस बस में बिठा दिया। मैं कब से सोच रहा हूँ ट्रेन स्टेशन दूर जा रहा, फिर पता पड़ा कि मुझे बुखारा 1 में जाना है जहाँ से सारी ट्रेन चलेंगी। सो ये बुखारा 1 का बोगजा, एकदम ट्रेन स्टेशन का एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी बड़ा सा है, रशिया में सारे ऐसे ही हुआ करते थे, रशियन टाइप का है थोड़ा सा, रशियन डिज़ाइन में किया।
हालांकि काफ़ी गर्मी हो रही है, अंदर जाके बैठता हूँ। इसकी एंट्री कहाँ से है? ट्रेन है लाल कलर की हुआ करती थी, यहाँ पे ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की है। कोशिश करूँगा मैं अंदर ही बैठूँ, बाहर बहुत गर्मी है। अगर अंदर बैठने का हुआ तो अंदर ही बैठूँगा। सही है, कुछ है बुखा रो बुक सो रो ख ख एक्स ख है एक्स एक्स जो इसको ख बोलते हैं, बाकी सब ठे सही है। बुखारा और रो उखोरो बुखारा ओ को ये बोलते होंगे फिर। तो ये है उज्बेक रशियन में लगभग सेम ही है, उज्बे रशियन में भी शायद एक्स को ये ख ही बोलते हैं। हाँ बराबर था, एक्स को ख बोलते हैं। तो चलता हूँ अंदर, एक बार कैमरा बंद कर देता हूँ, अंदर जाके चालू करूँगा। ट्रेन स्टेशन, पूरा टी शर्ट पिखा हुआ है, पिक गया पूरा पसीना पसीने से। तो अभी हो रही हैं 1:30 बज रही हैं, मेरी ट्रेन है लगभग 3:30 बजे। तो तब तक कुछ नहीं, वेट करते हैं। ट्रेन स्टेशन में कुछ बताने का नहीं है, बस नॉर्मल सा ट्रेन स्टेशन है। द समसा द खार्तोश्का खार्तोश्का नियत निमित इता वेगिटेरियन द चिकन चिकन विद नो मीट नो मीट नो बीफ मीट ओके खार्तोश्का चिकन मीट नियत नियत चिकन नियत चिकन इता खार्तोश्का अधीन अधीन दे सबन स्कूल का इता 5 खार्तोश यहाँ का, ये यहाँ का समोसा है जो इंडिया में है, इसमें आलू वगैरह मिला हुआ होता है। तो ये खा लेता हूँ। सो ये यहाँ का कुछ ट्रेन स्टेशन है, अंदर बैठा था कब से 2 घंटे से, अब बाहर आ गया हूँ। सो ये यहाँ की लोकल ट्रेन है, अप्रोसिया अभी यहाँ खड़ी थी और अभी चली गई। सो उज्बेकिस्तान को आप काफ़ी गरीब देश समझते हो, पर यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन चलती है। इंडिया में भी वैसे काम चालू हो गया है, 2020 में काम चालू हो गया था और 2026 तक प्रोबेबली रनिंग में हो जाएगी बुलेट ट्रेन। सो जल्दी अपने पास भी आ जाएगी, पर आपको मैं जैसे अपरोसिया आएगी, एक अपरोसिया मेरे से पहले भी आएगी, एक पहले भी आएगी तो मैं उसका शूट आपको करके बता दूंगा। मेरी वाली ट्रेन इस स्टेशन पर आएगी, बाहर काफ़ी गर्मी है। मेरी वाली ये जो बाद में चालू होती है, हेलो हाँ ऐसा आपको ये चास हाँ वो ताशकंद ताशकंद दा दा ताशकंद उधर ऐसा दा दा शो किचन में ताशकंद। तो ये वाली ट्रेन है मेरी भी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, डिपार्चर 1550 पे लिख रखा है और अभी डिपार्ट हो गई है। सो ये वाली अपरो सियाब है, सामने से फोटो लेता हूँ। इसकी स्पीड जाएगी 260 तक 250 तक जाएगी मैक्सिमम, 350 तक ऑपरेट हो सकती है। सो एक फ़ोटो के लिए जवाब करा चलते हैं। 09 मेरा सीट नंबर है 05। योर सीट नंबर 29। तो ऐसे कुछ दिखती है अंदर से अप्रोसिया, वो तो मेरी तो सीट नंबर। हाँ सेंटर वाले को काफ़ी बढ़िया सुविधा है। हाँ मेरे जाली नहीं है, मेरे को इसी से काम कराना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ स्पीड दिखती है, 25 डिग्री टेम्परेचर अंदर का, 761 नंबर, लेट मी चेक, मेरा 761 ही है ना, हाँ 761। सो ऐसी कुछ है, वो बुखारा का मैप टीवी पे। मेरे सीट के पास कुछ है नहीं देखने के लिए, सीनरी वाला नहीं है, वो भी मुझे आगे वाले से लेना पड़ेगा। तो एक बार बैग ऊपर रख देता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, बताता हूँ कितनी स्पीड मैक्सिमम। फर्स्ट टाइम है मेरा बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस जीवन में, सो फर्स्ट टाइम उज्बेकिस्तान में ट्रेन भी फर्स्ट टाइम है। सो चलते बंद करता हूँ। सो ऐसी कुछ दिखती है अप्रोसिया अंदर से, यहाँ पे बोल रहा है स्पीड मीटर, वहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है, स्पीड दिखाता है और नंबर कार नंबर, ये मैप। सो लगभग यहाँ से बुखारा से समरकंद मुझे लगेंगे 1.5 घंटे। मैंने ये अप्रोसिया अभी इसलिए ली क्योंकि जो समरकंद से ताशकंद की थी वो बंद हो गई है,
सो ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन था उज्बेकिस्तान में ट्रेन का सफ़र करने के लिए। सो मेरी अभी खिड़की तो बंद है, बट आगे जब खिड़की खुलेगी तब मैं बताऊंगा आपको कैसा बाहर से दिखता है, कितनी फास्ट जाती है, इसको कैसे खोलना वो पता नहीं मुझे, प्रॉब्ली ये कुछ बटन होगी। आपका सफ़र काफ़ी नॉर्मल सा ही था, मुझे जो सीट मिली थी वो इस तरफ मिली थी और जा इस तरफ रहा था, और स्पीड भी नॉर्मल थी, 220 की थी, मतलब ठीक है, आपको अगर करना ही हो तो कर सकते हो, ओवर हाई पड़े तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा ही सफ़र था। प्रॉब्ली यहाँ से एक सीट है, बोर्डिंग से मरे मरे से लोग थे, जो मज़ा लोकल में है ना थर्ड क्लास में, जहाँ लोग मज़े करते हैं एकदम साथ में बैठते, ऐसा नहीं है, सब शान से बैठे थे मरे मरे से। सो ये रही फिर से आप 230 किलोमीटर की गति मैक्सिमम पाई थी इसने, सो 230 मैक्सिमम थी, हालांकि 250 तक जा सकती है, मैं सोचा था कि 350 की तो फेक उम्मीद थी, 350 तक तो नहीं गई। सो चलते हैं, कोई नहीं, अच्छी था, अच्छा सफर था, बढ़िया था। टैक्सी не это почему не это бля это многопрофильный пойдешь автобус по-моему. автобус многопрофильный да не понимаешь это узбек много это медленный суд да не понимаешь что ты понимаешь куда это, какая гостиница а это меня английский индия английский английский дух нет это автобус со мере после мере जो हॉस्टल वालों ने बताया था कि यहां से बस पड़ेगी आपको 3 नंबर प्रोबेबली वो आपको छोड़ देगी। तो लेट्स सी, सामने बस स्टेशन दिख रहा है, बस स्टॉप दिख रहा है, वो यहाँ से ट्रेन भी चलती है, ट्रेन कहाँ तक जाती है यार, अब इसको मुझे नाम नहीं पता, देखो ट्रेन भी चलती है, 3 ट्रेन, पहले मैं इसको ट्रांस ट्रांस बोलता था, फिर मुझे पता पड़ा कि ये तो ट्रेन है। मजे ले रहे टैक्सी वाले यार, ठीक है इतना भी वो फोर्स नहीं करते, हो जाएगी। किसी पे रेगिस्तान नहीं लिखा हुआ यार, जगह का नाम लिखा हुआ, रेगिस्तान लिखा हुआ तो भी मुझे पता नहीं पड़ेगा, पता अब तो बस रेगिस्तान का कोई रेगिस्तान रेगिस्तान 73 नंबर बस मिलेगी, यहाँ से ही जाएगी, तो ठीक है, मेरे होस्ट ने 3 कहा था, लेट्स सी ये कौन सी है। तो रेगिस्तान ऑक्टोबस को कोई नंबर रेगिस्तान 3 ऑक्टोबस 3 ये था अन्य था नहीं नहीं अच्छा था स्पेशल का उस तरफ आएगा। ओके समझ गया मैं, प्रॉब्ली आने